थी नहीं। तो कैसे शुरुआत की और क्या क्या दिक्कतें आपको? मैं 1991-92 में यहाँ पर आया था और माननीय जो है योगेंद्र नारायण माथुर और शत्रुघ्न सिंह जो थे उस समय के वर्तमान DM और हमारे भाई साहब और बावरिया कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी, इनके सहयोग से मैंने यहाँ ये संस्था चलाई है। उसके बाद इसमें काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई है, किसी ने मतलब हमारा फर्नीचर जला दिया, जो अदर कास्ट से दूसरी कास्ट के लोग ये चाहते थे कि ये लोग पढ़ लिख के आगे ना बढ़ जाएं, और हमारे यहाँ फिर नौकरी कौन करेगा यदि ये लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों ने फर्नीचर तोड़ना, आग लगानी या पेड़ पौधों पर लैट्रिन वैट्रिन फेंकना, ये किसी तरीके से उनका प्रमुख उद्देश्य था कि अभी स्कूल चल ना पावे। किंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी और जो है साहस के साथ कार्य किया। आज उसका जो है सफलता मुझे प्राप्त है और 600 के करीब विद्यार्थी यहाँ पे इस समय अध्ययनरत हैं और उसमें से 430-40 के करीब जो हैं बावरिया समाज के बच्चे हैं। तो ये बावरिया आखिर जो है कैसे बसाए योगेंद्र जी ने, जो है पहले क्या करते थे? बसे हुए तो ये काफ़ी पहले ही हैं यहाँ पे, किंतु योगेंद्र नारायण माथुर जी जो है यहाँ 1974 में आए और उन्होंने जो है इन्हें ये मतलब स्वतंत्रता प्रदान की, जीना सिखाया, यहाँ से इन्हें अपराधों से जो है एक तरफ ले गए, वो इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया और रोज़गार बहुत सारे लोगों को जो है सरकारी सर्विसों पर रखा। स्कूल यहाँ पे जो है जूनियर हाई स्कूल खुलवाया, उस समय बहुत मुश्किल था जूनियर हाई स्कूल खुलना, और शिक्षा के प्रति इनका रुझान पैदा किया, इसलिए योगेंद्र नारायण माथुर को ही जो है अपना जो है सब कुछ मानते हैं। तो ये लोग जो हथियार डालने वाली क्या घटना थी वो, जो योगेंद्र नारायण माथुर 1974 के तय करीबन ये लोग जो है संभवतः, मुझे पूरी जानकारी नहीं कि कुछ लोग इनमें से चोरी करते थे, तो योगेंद्र नारायण माथुर ने अपने मतलब एटीट्यूड से, अपने दृष्टिकोण से इन पर ऐसी छाप छोड़ी कि इन्होंने चोरी करनी बंद कर दी। अब मुश्किल से 1-8% ही लोग चोरी करते हैं, इनमें से सब मजदूरी करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं उनकी फीस आप लोग कैसे कैसे मदद करते हैं उन बच्चों की? जो गरीब बच्चे हैं वो तो फीस नहीं दे पाते, उनको तो एजुकेशन हम फ्री देते हैं, किंतु जो अच्छे घर के बच्चे हैं उनसे हम फीस लेते हैं और वो फीस देते भी हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। उनके गार्जियंस को जाके मैं अच्छी तरह बताता हूँ कि पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, तो वो सब समझ चुके हैं। अब ये पूरा समाज जो है समझ चुका कि एजुकेशन मेन चीज़ है। तो जैसे कि ये बावरिए हैं और ये जो है अक्सर ये कहा जाता है कि चोरी डकैती और जिस्म फरोशी, औरतें शराब कच्ची शराब के धंधे में लिप्त हैं, तो ये बात यहाँ के बावरियों पर कितने परसेंट अब क्या है? मैं इसे बिल्कुल असत्य मानता हूँ, क्योंकि अदर कास्ट के जो लोग हैं वो इनसे कई गुना अपराध करते हैं। ये तो ऐसा है ना, पीछे से ही जो है इनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, वहाँ से बदनाम होते चले आ रहे हैं। अब इनमें से 1-2% ही जो है क्राइम करता है, बाकी बिल्कुल क्राइम नहीं करते, सब लोग जो है अपने रोज़गार कर रहे हैं, इधर उधर का काम कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कुछ भी करें, दुकानों पर सर्विस करते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल जो है सहमत नहीं हूँ कि ये लोग जो है अपराध करते हैं अधिकतर। तो कुछ बच्चे कामयाब भी हुए हैं आपकी पढ़ाई में? हाँ, हमारे बच्चे बहुत कामयाब हुए हैं, बहुत सारे मतलब जो हैं बहुत सारे बच्चे इस समय पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट कर रहे हैं, कई बच्चे सरकारी नौकरियों में भी चले गए हैं, कई बच्चे शिक्षा मित्र हैं और पुलिस सर्विस में भी जा चुके हैं। अच्छा, जैसा कि यहाँ ये लोग, ये जो बच्चे आप पढ़ाते हैं और इनके घरों में जा कई जगह शराब और उस तरह की चीज़ें जो बुराइयाँ हैं बाबर ये समाज में, उसे मिटाने के लिए भी बच्चे कुछ करते हैं? हाँ, हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा, पहली बात उनके गार्जियन शराब निकाल ही नहीं, नंबर दो बात यदि निकालते हो तो वो वहाँ तोड़ा फोड़ी करते हैं, उसके विद्रोह करते हैं, मतलब शराब के प्रति। मैंने जो है इनमें ऐसी जागृति पैदा कर दी कि भविष्य में हाथ भी नहीं लगाएंगे शराब में। जाओ जाओ।